हाँ जी, कैसे हो भाई सब लोग? चलो भाई, आज एक और वीडियो देखे हैं जिसमें बात करेंगे कि भाई डीएनएन फॉर्म कैसे फिल करना है। तो समय खराब किए बिना हमें शुरू करते हैं। तो एक मिनट, मेरे को स्क्रीन शेयर कर लेने दो। लो, ये हो गई, ये आ गया भाई डीएनएन फॉर्म। डीएनएन फॉर्म को फिल कैसे करना है? सबसे पहले तो ये ज्यादा जगह पर हमको लिखना है नहीं, है ना? कुछ थोड़ा बहुत जो लिखना है वो अपना उन्होंने दिया हुआ है। और कोशिश ये करना कि भाई इसको हाथ से या पेन से मत फिल करना, अपना कंप्यूटर पर ही इसको फिल करो। उससे फायदा क्या होगा, क्योंकि जैसे मान लो अपने हाथ से अपना, है ना, यहाँ पर अपनी मेल आईडी भी लिखनी होती है यहाँ पर पूरे में। अगर मान लो आपकी वो गलत होगी तो आपको मेल नहीं आएगी, मेल नहीं आएगी तो आपका जो आईडी पासवर्ड है वो नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा तो फिर पता कैसे चलेगा कि बात कहाँ तक पहुँची आपके सिटीजनशिप वाले लेटर की। ठीक है, तो कोशिश करना कि भाई इसको कंप्यूटर से ही फिल करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिल कैसे करना है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अपनी डेट डालनी है, जिस डेट को आपका एग्ज़ाम है। यहाँ पर आपका मान लो आज कितनी है, आज 11 होगी, मान लो यहाँ पर 11 तारीख, और यहाँ पर 7वां महीना, साल कौन सा चल रहा है, 2022। ठीक है, यहाँ पर साल लिख लो, यहाँ पर कुछ नहीं लिखना, छोड़ दो। और फिर यहाँ पर देखो कि भाई आप किस वजह से आप अपनी नेशनलिटी अप्लाई कर रहे हो। आपकी रेजिडेंसी है, आपके यहाँ पर बच्चे हैं, आपकी शादी हुई है, आप लेटिन अमेरिकन हो, जो भी यहाँ पर आपकी ऑप्शन होगी वो देख लेना, है ना, उसको सेलेक्ट कर लेना। ये वाली ऑप्शन आप अपने हाथ से सेलेक्ट कर सकते हो, इसका कोई बड़ा रोल है। ठीक है, अगर कंप्यूटर पर सेलेक्ट करनी है तो वहाँ पर कर दो। और उसके बाद आता है भाई आपका नाम, यहाँ पर आप अपना नाम लिखो और यहाँ पर आप अपना लास्ट नेम लिखो। ठीक है, सेकेंड नाम अगर है तो लिख दो, नहीं है तो खाली छोड़ दो। यहाँ पर आप आपकी अपनी एज, है ना, जितनी आपकी एज है वो लिख दो, और एज के बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दो। यहाँ पर अपना दिन, महीना और साल, जैसे यहाँ पर लिखा था ना वैसे ही। और यहाँ पर अपने अपने फादर का नाम, यहाँ पर मदर का नाम, और उसके बाद यहाँ पर अपना मैक्सिको का कंट्री कोड 52, और अपना मेक्सिको का ही फोन नंबर। ठीक है, और यहाँ पर अपनी लिखो मेल आईडी, क्योंकि इसी मेल पर वो आपको अपना जो पासवर्ड होगा ना, पासवर्ड और आपकी आईडी वही यहाँ पर ही भेजेंगे। आपकी जो जीमेल आईडी यहाँ पर लिखोगे ना, वही आपकी आईडी होगी, पासवर्ड वो आपको भेज देंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप अपना प्रोफेशन लिखो, यहाँ पर क्या काम करते हो, कौन सी पोजिशन है, और यहाँ पर अपना लुगार, है ना, किस जगह पर आपका बर्थ हुआ, मतलब किस सिटी में, वो लिख दो। जैसे मान लो मेरा हुआ लुधियाना में, लुधियाना पंजाब इंडिया। ठीक है, जैसे मान लो आपके पासपोर्ट पर लिखा हुआ है वैसे लिखो। नेशनलिटी आपकी कौन सी है, इंडियन जो भी है ना, जो भी है आपकी इंडियन पाकिस्तानी वो लिख दो। और उसके बाद आपके फादर की नेशनलिटी, आपकी मदर की नेशनलिटी वो भी लिखनी है यहाँ पर। उसके बाद आ गया भाई आपका स्टेटस क्या है, आप सिंगल हो, मैरिड हो। ठीक है, अगर मैरिड हो तो आपने किस डेट को अपनी शादी की है, और शादी की तो अपनी किस जगह पर यहाँ पर शादी की वो लिख दो। ठीक है, और उसके बाद अगर आपके भाई बच्चे हैं, उनका नाम, उनकी अपनी डेट ऑफ बर्थ, किस जगह पर पैदा हुए और उनकी नेशनलिटी। ठीक है, और यहाँ पर लिखना है अपने अपने घर का एड्रेस, जिस जगह पर आप रह रहे हो। ठीक है, अपना अगर नहीं पता तो अपना बिजली का या पानी का बिल देख लेना, उसके ऊपर सारा कुछ लिखा होगा। यहाँ पर आपका पोस्टल कोड हो गया, आपके घर का नंबर। ठीक है, ये वाला ऑप्शनल है, लिखना है तो लिख दो, नहीं छोड़ो। आपके आपके घर का, है ना, ठीक से एड्रेस देखो वो लिखो यहाँ पर। फिर अपनी स्टेट लिखो, और आपकी का से मतलब आपकी जो गली है घर की, उसका क्या नाम है वो लिख दो। ठीक है, यहाँ पर भी सेम, अपनी गली का नाम, अपनी कॉलोनी का नाम, अपने म्यूनसिपियो, अपने क्या बोलते हैं उसको, म्यूनसिपल ऑफिस, उसका म्यूनसिपल का नाम, और ये दोनों चीज़ें ऑप्शन है, लिखना है तो लिख दो, छोड़ना है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। ठीक है, और यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, ये छोड़ो। और यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है, आपकी जॉब कौन सी है उसके बारे में थोड़ा बता दो। और उसके बाद अपना यहाँ पर कुछ नहीं लिखना, यहाँ पर कुछ नहीं लिखना, यहाँ पर कुछ नहीं लिखना। यहाँ पर आपको यस या नो में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। मेन बंदा अपना यस ही करता है तो उसको भी अपना यस ही करना है। ठीक है,
यहाँ पर आ गई आपकी फोटो, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, वहाँ पर जब आप जाओगे अपना एग्जाम देने के लिए तो वही आपकी फोटो लगाएंगे, यहाँ पर कुछ मत करना, ठीक है। फोटो वाला खाली छोड़ दो, ये वाला कुछ नहीं करना, वो आपके वहाँ पर टाइम पर ही फिंगरप्रिंट लेंगे तो वही यहाँ पर आपके लगवाएंगे, ठीक है। और ये आ गया भाई अपना कौन सा पेज आ गया, 1 मिनट, एक बात तो रह गई, ये वाला हो गया, ये भी हो गया, हाँ ये रहा राशन। और यहाँ पर आपने अपना रीजन देना है, कभी आप अपनी नेशनलिटी क्यों देना चाहते हो, कोई आसान सी बात मत लिख देना, कभी मैं वोट डालना चाहता हूँ, कुछ अच्छा बना के लिखो, कभी उनको देखने में लगे अच्छा, कभी हाँ भाई बंदा सच में ही लेना चाहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके काफी लेटर आप लिख सकते हो ना, इस साइड में अगर आप कंप्यूटर पर ही लिखोगे, पेन से मत करना है यार कोशिश, क्योंकि बाद में दिक्कत आएगी। पहले तो जो मैंने बड़ी बात है वो मेल ही नहीं आएगी, आपको पासवर्ड नहीं आएगा, क्योंकि लिखा हुआ कई बार बंदे को नहीं समझ आता, जो टाइप हुआ तो वो तो है ना बंदा आराम से पढ़ ही लेगा। तो यहाँ पर आपने अपना रीजन देना है कि किस वजह से आप अपनी नेशनलिटी लेना चाहते हो अपना। मैं बार बार बोल रहा हूँ कभी तो इसको कंप्यूटर पर रिफिल करना, क्योंकि आपको दिक्कत नहीं आएगी फिर, ठीक है। और यहाँ पर जो है 3 पेज तक की, ये मेन है, उसके बाद उन्होंने सारा ये बताया ही हुआ है, जो मैंने चीजें आपको बताई ये सारा उन्होंने बताया हुआ। तो आपको जो प्रिंट करने हैं पेज, पीडीएफ को सेपरेट कर लो, पहले आप अपना पीडीएफ को सेपरेट करो, उसके बाद आप इसको कंप्यूटर में फिल कर लो, फिर तीनों की अपनी फिल करने के बाद उसकी 2 कॉपियां प्रिंट कर लो, ठीक है। ये रहा, सिर्फ यहाँ तक ही आपको अपना इसको सेपरेट करके प्रिंट करो निकलवाना है, पहले 3 पेज ही मेन है, उसके बाद बाकी उन्होंने बताया ही वो तो मैंने आपको बता दिया। अगर भाई किसी का कुछ सवाल रह गया हो तो पूछ लेना। ओके बाय।